देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि पोस्ट ऑफिस का रिटेलर आईडी के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। आप इजी तरीके से पोस्ट ऑफिस में कोई भी व्यक्ति अब रजिस्ट्रेशन कर सकता है रिटेलर के लिए या फिर कॉरपोरेट के लिए। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ रिटेलर के लिए, जो दोस्तों रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है और आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के माध्यम से घर बैठे। और इसमें दोस्तों आपको ढेर सारी सर्विसेज दी जाएंगी, जिसमें कि आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और सारे बहुत सारे इंश्योरेंस, एनपीएस, पेंशन स्कीम और भी जो दोस्तों मनी ऑर्डर है वो भी रहेगा। और साथ ही साथ आपको इसमें जो है कहने का मतलब जितने भी पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज, स्टाम्प हो गया, फिर आपको कूपन हो गया, सारी चीज़ आपको यहां से मिलेंगे। तो करेंगे कैसे रजिस्ट्रेशन, तो सबसे पहले आप आएंगे इंडिया पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहां पर आने के बाद दोस्तों यहां पर देखिए साइन इन और रजिस्टर का एक ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, रिटेलर और कॉरपोरेट। सबसे पहला ऑप्शन है रिटेलर का, तो सिंपली आप करेंगे क्या, रिटेलर पर क्लिक कर लेंगे। रिटेलर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा एक रजिस्ट्रेशन पेज, जिसमें कि आपको कुछ फॉर्म, जो फॉर्म टाइप से आपको भरना है। सबसे पहले आपको यहां पे दिखेगा यूजर आईडी। यूजर आईडी हम वैसे रखेंगे जैसे मान लीजिए कोई भी आप रख सकते हैं, जैसे कि एलिजिबिलिटी चेक करके, कहने का मतलब यो आईडी आपका हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका नाम है तो कुछ भी आप रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहां पर अभी रखेंगे, कहने का मतलब हम एक यहां पर रखते हैं और फिर यहां पे हम चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे, मतलब ये अभी उपलब्ध है कि नहीं। तो ये उपलब्ध नहीं, तो चलिए हम दूसरा देखेंगे। कहने का मतलब यहां पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दूसरा देख लेते हैं, चलिए ये उपलब्ध है कि नहीं। फिर यहाँ पे हम करेंगे क्या, चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर लेंगे, यानी कहने मतलब ये अवेलेबल है कि नहीं। जैसे ही अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे ग्रीन टिक का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए सबसे ये देखिए आ चुका है, यहाँ पे आप ध्यान से इसे देख लेंगे जो आपको बाद में काम आवे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना चूज कर लेंगे, तो जैसे MRS, फिर यहाँ पे एक है MS, तो चलिए हम क्या करेंगे MS पे क्लिक करेंगे। और फिर यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है जो है, और फिर यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है, वहाँ पे आपको फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क रखने हैं कि आप क्या, जैसे मान लीजिए आप जो है क्या आपका यहाँ पे रहेगा, तो उसके बाद जो आप क्वेश्चन चाहे वो चूज कर सकते हो और उसका आंसर भी आप लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पूरा एड्रेस लिखना है, एट पोस्ट जो भी आपका वार्ड नंबर है वो सारा चीज़ फिल करेंगे। फिर यहाँ से आप अपना स्टेट चूज करेंगे, स्टेट चूज करने के बाद यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद यहाँ पे आपको पिन कोड टाइप करना है, फिर यहाँ पे आपको ईमेल आईडी टाइप करेंगे और एक मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे और फिर यहाँ पे दिया गया है ई न्यूज लेटर, यानी कहने मतलब आपको इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी लेटर होंगे वो आपको ईमेल पे मिलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और फिर रजिस्टर पे क्लिक कर लेंगे। रजिस्टर पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने आपको कुछ जो है एरर आ रहा है, यहाँ पे आ गया कैप्चा, तो चलिए हम फिर से कैप्चा टाइप कर लेते हैं। कैप्चा दोस्तों अगर कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है तो आप कैप्चा पे बार बार क्लिक करेंगे, कैप्चा रिफ्रेश करके यहाँ पे जो है सबमिट पे क्लिक कर देंगे, तो क्या हो जाएगा वो कैप्चा दोस्तों क्या कि थोड़ा देर अगर फॉर्म भरने में आपको टाइम लगता है तो वो कैप्चा क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। तो आपको फिर से क्या करना, फॉर्म फिर आप फिल करने के बाद यहाँ पे क्या है कि कैप्चा को यहाँ पे रिफ्रेश करने का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे चेंज पर क्लिक, यानी कि आपको कैप्चा चेंज कर देना है, तब जाके क्या होता है कि आपको जल्द से जल्द सबमिट हो जाता है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पर एरर भी आते रहता है, जैसे कि अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एरर आता है। ये प्रोसेस अभी ले रहा है और ये प्रोसेस लेते लेते क्या हो जाता है कि एरर आ जाता है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है, रखना है। ये देखिए हमारा क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड का ऑप्शन आ चुका है। अब यहां पे हम क्या करें, योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड विथ यूज रेखा, जो यहाँ पे हमने आईडी रखा है वो द एक्टिवेट, यानी कहने का मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे रजिस्टर ईमेल आईडी पे एक मैसेज जा चुका है, तो चलिए हम पहले अपना ईमेल ओपन कर लेते हैं। ये हमारा हो गया ईमेल लॉगिन और सबसे ऊपर में देखिए नो रिप्ले का एक ऑप्शन आ चुका है, तो चलिए यहाँ पे हम सिंपली क्लिक करेंगे। वेलकम टू इंडिया पोस्ट यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, चलिए यहाँ पे वेलकम टू इंडिया पोस्ट अकाउंट एक्टिवेट मेल, यहाँ पे सिंपली नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए सिंपली क्लिक कर लेंगे। जो URL है, इस URL पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एक्टिवेट हो जाएगा। कहने का मतलब जो आपका आईडी है, जो आपका जो एक्टिवेट है वो क्या हो जाएगा और एक्टिवेट हो जाएगा। और इसी में देखिए दोस्तों आपको एक पासवर्ड भी आ जाएगा, तो चलिए सबसे पहले हम एक्टिवेट कर रहे हैं। ये हमारा एक्टिवेट हो रहा है, यहाँ पे देखिए अकाउंट कहने का मतलब यूजर जो है अकाउंट एक्टिवेट हो रहा है, तो चलिए हम वेट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेट नाउ यूजर आईडी इतना, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक्टिवेट भी हो चुका है, चलिए कहने का मतलब अब क्या करना है हमको सिंपली, अब यहाँ पे देखिए इसमें मेल पे आएंगे तो डियर रेखा थैंक यू फॉर रजिस्टर इंडिया पोस्ट, यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे में देखिए आपका यूजर आईडी यानी कि योर कस्टमर आईडी भी यहाँ पे दिख रहा है, आपका कस्टमर आईडी है, आपको एक्टिवेट हो जाए। अब सिंपली आपको करना क्या है, इंडिया पोस्ट की जो फिर से ओपन करना है अपना वेबसाइट, आपको ओपन इंडिया पोस्ट का ऑफिशियल वेबसाइट, इसको हम कर लेंगे ओपन और फिर हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। इसमें देखिए दोस्तों आपको इस मेल में एक पासवर्ड भी दिखेगा, यहाँ पे नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे देखिए पासवर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है,
इस पासवर्ड को, ये वन टाइम पासवर्ड, इसे सिंपली करना क्या, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर लॉगिन वाले पे क्लिक, सबसे पहले क्या करेंगे हम लॉगिन पे साइन इन पे क्लिक करेंगे और रजिस्टर्ड यूजर पे क्लिक कर लेंगे, यानी कि पहले से हमने रजिस्टर कर रखा है। अब यहाँ पे आएंगे, आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे यूजर आईडी देना है। अगर मान लीजिए आपको पता नहीं है तो मान लीजिए पासवर्ड नहीं या फिर ये मेल नहीं आया, बहुत में क्या होता है ये मेल नहीं आता है, एरर आ जाता है तो आपको मेल नहीं आया, यानी कहेंगे मतलब एरर हो गया, एरर हो जाता है लेकिन वो आपका रजिस्टर्ड हो जाता है, तो आपको सिंपली करना क्या है, तो यहाँ फॉरगेट पे क्लिक कर लेना है सेम पासवर्ड सेम चीज़ को दोबारा मंगाने के लिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, उसको यहाँ पे जैसे यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं जो है आपका आईडी, यहाँ पे सिंपली लिखेंगे और यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपके मेल पे भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, चलिए मेरे केस में तो पहले से भेजा हुआ है, तो आप जो बताएं वैसे कर सकते हैं। अब फिर यहाँ पे हमको क्या करना है, आईडी लिखना है, आईडी लिखेंगे और पासवर्ड जो यहाँ पे दोस्तों दिया गया है ये वाला पासवर्ड, इसे सिंपली कॉपी करके क्या करना है, यहाँ पे ये वन टाइम पासवर्ड यहाँ पे देंगे और साइन इन पे क्लिक कर लेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए फिर से वही पासवर्ड देना है आपको, ये वाला पासवर्ड जो है ये देना है, और यहाँ पे देने के बाद एक नया पासवर्ड आपको रख लेना है, यहाँ पे पासवर्ड एक नया चूज करेंगे जो आपको जरूरी होगी और फिर यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। चेंज पासवर्ड पे जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, हाय और पासवर्ड इज सेट, अब यानी कि आपका पूरा कंफर्म हो चुका है। तो अब क्या करना है, सिंपली आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, तो फिर से चलिए हम इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसे हम खोल लेंगे और फिर साइन इन पे क्लिक करेंगे, यानी कि जो कहने का मतलब हमारा पूरा का पूरा ये इजी प्रोसेस है। अब यहाँ पे आएंगे और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन इन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे चलिए साइन इन रजिस्टर्ड यूजर, और फिर अब की बार हमारा पासवर्ड और सारा चीज़ बना हुआ है, तो अब सिंपली आपको करना क्या है, आईडी पासवर्ड डालना है और जो है लॉगिन कर लेना है। उम्मीद था जो ये हमारा क्या हो चुका है, लॉगिन हो रहा है, तो अभी जो है हमारा दोस्तों साइट ओपन हो रहा है, चलिए हम इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों ये जो हो गया है, पासवर्ड जैसे चेंज होगा तो ऑटोमेटिक लॉगिन भी हो जाएगा, यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए, देखिए हमने नया टैब में ओपन करके देखा है, यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए आपका आईडी दिखेगा और यहाँ पे आईडी दिखने के बाद आपका नाम दिखेगा, फिर आपका जो है नाम दिख जाएगा, फिर यहाँ पे आपको जो है इसका कहने का मतलब पूरा आपका जो है डेट टाइम सारा चीज़ दिखेगा। चलिए माय प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एक चीज़ गलती हो गया है, कुमारी की जगह आई छूट गया है, तो यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे अगर चेंज करने का ऑप्शन हो जाए तो यहाँ पर आप नाम चेंज करने का दोस्तों ऑप्शन नहीं दिख रहा है, देख रहे हैं आप यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, आई छूट गया है, तो ऐसी बात नहीं, आप ध्यानपूर्वक से देंगे, बाद में हम चेंज करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए पूरा हमने कंप्लीट आपको बता दिया है कैसे क्या होता है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आ सकते हैं होम पर और हम आपको बताते हैं इसमें सर्विसेज क्या सब हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे और देखिए यहाँ पर पहली बात क्या है, यहाँ पे आप आ जाइए प्रोफेस, यानी कि कहने का मतलब परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, यहाँ पर आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा, कहने का मतलब पूरा जैसा डैशबोर्ड आपको देख लीजिए, यहाँ पे पूरा कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। अब यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे और चीज़ें जानने के लिए देखिए जहाँ पे जैसे हमारे पास क्या क्या सर्विस आपको मिल सकता है, यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात है मेल एंड स्टाम्प, आप यहाँ से मेल एंड स्टाम्प कर सकते हैं, फिर आपको है बैंकिंग एंड बैंकिंग का, फिर NPS जो नेशनल पेंशन स्कीम है, उसके बाद इंश्योरेंस है, बिजनेस कॉमर्स है, फिर यहाँ पे आपको रिटेलर सर्विस, तो रिटेलर सर्विस में चलिए हम आपको पहले दिखाते हैं क्या सब है। आधार अपडेशन का काम है दोस्तों इसमें, और फिर आपको सबसे पहला बात आधार अपडेशन है जिसमें कि आपको न्यू एनरोलमेंट फ्री करना है, मैंडेटरी फॉर बायोमेट्रिक अपडेशन जो है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, फिर आपको अदर बायोमेट्रिक अपडेशन जो है 100 रुपया है, फिर आपको डेमोग्राफिक 50 रुपया है, ये सभी चीज़ें आपको दी गई हैं जो कि आप इसमें काम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों और सर्विस अगर बैंकिंग की हम बात करें तो बैंकिंग में आपको क्या सब मिलेगा, तो बैंकिंग पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो बैंकिंग में आपको सबसे पहली बात है कि आपको अकाउंट ओपनिंग का सुविधा दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा रहा है पोस्ट ऑफिस सेविंग सचमैन, यानी कहने मतलब इसमें आप जो है अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, सभी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, पैसा निकासी विड्रॉल जमा जो भी है वो सारे चीज़ आप कर सकते हैं, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी है, जो वाटर बिल है सारा चीज़ जमा कर सकते हैं, फिर यहाँ पे इंश्योरेंस है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर NPS भी दिया गया है, तो ये सभी चीज़ें आप जो है यूज कर सकते हो। तो ये दोस्तों रजिस्ट्रेशन आरंभ हो चुका है पहले से भी, बीच में साइट जो शुरू हो जाता है दोस्तों, इसीलिए हमने अभी तक आपके लिए नहीं लाया, इतना लेट हो चुका है वीडियो बनाने में। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।